नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका यूट्यूब फ्रेंड दीपक गुप्ता और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल extrememotoadventure.com पर। तो दोस्तों, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आज मैं आपको बताऊंगा मेरा पहला एक्शन कैम कौन सा था, उसको मैंने कैसे बनाया था और उसको मैंने कैसे यूज किया था। वो मैंने बनाया था 2012 में। तो जानने के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए मेरे YouTube चैनल extrememotoadventure.com को। दोस्तों, मैंने लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग की शुरुआत 2011 में करी थी और जो मेरा पहला लॉन्ग डिस्टेंस टूर था वो शिमला कुफरी तक का था। उसके बाद जो मेरा लद्दाख का सपना था वो जून में कंप्लीट हुआ और उस टाइम मेरे पास एक फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए एक पॉइंट एंड शूट कैमरा हुआ करता था, निकॉन का L810। तो उसी से मैंने लद्दाख के अपने फोटोज और वीडियोज लिए, जो कि मेरे चैनल पर एक दो वीडियोज उस कैमरे से ऑलरेडी हैं। और दोस्तों, लेकिन जो उसके रिजल्ट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे नहीं थे और मैंने लद्दाख में देखा काफ़ी लोग एक्शन कैम यूज़ कर रहे हैं। उस टाइम भी ज़्यादातर उनमें से फॉरेनर्स थे, लेकिन उस टाइम जो एक्शन कैम्स थे वो काफ़ी महंगे थे और दोस्तों मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं थी कि मैं एक अच्छा एक्शन कैम ले सकूं। तो उस टाइम मैंने सोचा कि मैं अपने हेलमेट पर कोई DIY करके अपना जो मोबाइल फ़ोन होता है उसको किसी तरह फिट करूं, जिससे कि मैं फ्रंट की वीडियो शूट कर सकूं। तो दोस्तों, मैंने उस टाइम 2012 में एक DIY किया जिसमें कि मैंने अपना मोबाइल फ़ोन अपने हेलमेट पर माउंट किया। तो दोस्तों, आज मैं आपको दिखाता हूँ अपना वो हेलमेट। वो काफ़ी पुराना हो चुका है और ज़्यादातर मेरी अलमारी में ही वो रखा रहता है क्योंकि अब उसको मैं यूज़ नहीं करता और मैंने अपना GoPro Hero 4 है वो ले लिया है। तो 2-3 साल से मैं अभी वही यूज़ कर रहा हूँ, GoPro Hero 4। तो वो वाला हेलमेट मैं आज आपको दिखाता हूँ, पुराने वाला जिस पर कि मैंने DIY किया था। तो दोस्तों, ये वाला हेलमेट था वो जो मेरा 2012, 2013, 2014 में मैंने यूज़ किया, काफ़ी यूज़ किया है मैंने इस हेलमेट को। और इस हेलमेट को मैंने ख़रीदा था करोल बाग से, वो भी 1700 रुपये में। और जो इसकी लुक्स थी ऑफ रोडिंग वाली थी, उस टाइम काफ़ी चल भी रहा था और काफ़ी पॉपुलर भी था ये। तो इसी को मैंने करोल बाग से ख़रीदा। तो उस टाइम मैंने एक कार मोबाइल होल्डर लिया, अच्छा स्ट्रॉन्ग, ये 350 रुपये का उस टाइम लिया था मैंने। उस और होल्डर लेने के बाद सबसे पहले मैंने मेरा जो ये हेलमेट था उसके ऊपर मैंने एक प्लास्टिक की गोल प्लेट काट कर अपने हेलमेट पर यहाँ पर पेस्ट करी, बिल्कुल अच्छी तरह चिपका दी। एमसील से भी चिपकाई मैंने इसको और एल्फी से भी इसको अच्छी तरह चिपका दिया। और इसके पीछे मैंने पेप्सी का एक ढक्कन यहाँ से काट कर मैंने इसको बेस देने के लिए यहाँ पर भी एक चिपकाया, जिससे कि इसको पूरा बेस और सपोर्ट मिल गया। और इसको मैंने अच्छी तरह फिक्स कर दिया और इसमें एक नट भी फिक्स कर दिया था जिससे कि ये प्रॉपर अच्छी तरह टाइट हो जाए। और उसके बाद जो ये मेरा मोबाइल होल्डर था इसको मैंने यहाँ पर जो ये प्लास्टिक की प्लेट थी, जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये प्लास्टिक की प्लेट है और इसके ऊपर मैंने इसको वैक्यूम से यहाँ से इसको अच्छी तरह टाइट कर दिया। अगर आपको दिख रहा होगा, इसको यहाँ से मैंने अच्छी तरह इसको टाइट कर दिया और ये वैक्यूम होने की वजह से काफ़ी टाइट हो गया था। लेकिन मुझे डर था कि चलते वक्त ये निकल कर गिर ना जाए, अगर वैक्यूम इसका थोड़ा ढीला हो जाता है और एयर प्रेशर कम हो जाता है तो ये निकल भी सकता था। तो इस डर की वजह से मैंने सोचा क्यों ना इसको बिल्कुल ही पेस्ट कर दिया जाए इस बेस प्लेट पर। और मैंने एल्फी लेकर एक बार इसको वैक्यूम करने के बाद एल्फी लेकर इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको चिपका दिया और ये बिल्कुल स्ट्रांग हो गया। और ये जो चिपकाने के बाद जब मैंने इसको हिला के देखा तो ये बिल्कुल मजबूती से चिपका हुआ था। इसके बाद मैंने किया क्या कि यहाँ पर जो ये हेलमेट का फ्रंट है, एक्चुअली दोस्तों ये हेलमेट का ये जो मोबाइल होल्डर है वो थोड़ा सा यहाँ से ब्रेक हो चुका है। जैसे ये नीचे वाला पोर्शन है ऐसे ही ये ऊपर था, एक दो बार हेलमेट गिरा था उस टाइम ये ऊपर का जो पोर्शन था वो ब्रेक हो गया था। तो इसकी वजह से मेरे पास अभी दूसरा कोई मोबाइल होल्डर था नहीं, तो इसी हेलमेट पर मैं आपको दिखा रहा हूँ जो मेरा ये पुराने वाला था। तो
यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको स्टेबल करने के लिए थोड़ा यहाँ से आगे से ये हिलता था जब मैं वीडियो शूट करता था, तो इसको मैंने क्या किया, यहाँ पर एक वेलक्रो लेकर, और वेलक्रो लेकर ये जो इसका बेस अंदर फेंडर है, किस क्या बोलते हैं इसको, जो भी है, इसको यहाँ पर लेकर वेलक्रो को यहाँ से मैंने इसको एल्फी लेकर बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको चिपका दिया। और इसके बाद जो रिजल्ट आया इसका बहुत ही बढ़िया था, क्योंकि ये बिल्कुल फिक्स हो गया था और जो मैं वीडियो शूट करता था वो बिल्कुल स्टेबल आते थे। तो दोस्तों अब मैं बताता हूँ कि मैं इस पर अपना मोबाइल कैम कैसे यूज लगाता था। तो अभी मेरे पास दोस्तों मोटो जी 3 है, उस टाइम मैं यूज करता था सैमसंग गैलेक्सी S2 और उसका साइज थोड़ा इससे छोटा था। तो उसको मैं क्या करता था कि जो ये हमारा मोबाइल होल्डर है इसको यहाँ पर इसको प्लेस कर मेरे पास काफ़ी 6 से 7-8 रबर बैंड होते थे और जो ब्लैक वाले मोटे अच्छे, तो उनको मैं हॉरिजेंटली और वर्टिकली इसको ऐसे लगाता था कि कैमरे के ऊपर ना आए, और ये जब रबर बैंड होते थे उसको अच्छी तरह फिक्स कर देते थे। और हाँ, उस पर ये ध्यान रखता था कि कैमरे के ऊपर कोई भी रबर बैंड ना आए। जो ये रबर बैंड होते थे दोस्तों, उसके बदले आप जो लड़कियों के चोटी में जो छल्ले लगते हैं मोटे वाले ब्लैक वाले, तो वो मैं यूज़ करता था क्योंकि वो काफ़ी मजबूत भी होते थे। तो 5-6 छल्ले ऐसे लगाकर इसको अच्छी तरह फिट कर मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं, जो स्पीति का पूरा वीडियोस है जो -30 डिग्री में हम राइड कर रहे हैं स्नो पर, मेरे चैनल पर ऑलरेडी है वो वीडियो, वो आप ज़रूर देखिएगा, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। हम बिल्कुल सफ़ेद जो सी ऑफ स्नो है, मतलब कि समुद्र है बर्फ का, उसमें अपनी बाइक राइड कर रहे हैं, उसमें मैंने यही हेलमेट यूज़ किया हुआ है, और जो मेरा एक्शन कैम था वो भी यही सेटअप था पूरा। तो यही सेटअप मैंने उस टाइम यूज़ किया था जो कि काफ़ी सक्सेसफुल रहा, और मैंने इसको 2-3 साल काफ़ी यूज़ किया। उसके बाद मेरे पास GoPro आ गया और फिर मैं GoPro से वीडियो शूट करने लग गया, और उसके रिजल्ट्स तो अमेजिंग है ही। तो दोस्तों आप इसको बनाकर यूज़ कर सकते हैं, और ये काफ़ी सस्ता जुगाड़ भी है, इसको जुगाड़ ही कह सकते हैं। तो ये ऐसा दिखेगा करीब करीब आपको साइड से, और लुक से इसकी बहुत सेक्सी आती है, देखिए। और मैं 2-4 फोटोज़ आपको दिखाऊंगा जो कि मैंने मेरे जब मैं ये यूज़ करता था मेरी खिंची हुई हैं, तो यहाँ पर थोड़ा स्क्रीन पर देख भी सकते हैं थोड़ी सी आप फोटोज़, काफ़ी शानदार वीडियोस और फोटोज आती थी। इसको पहनने के बाद बंदा माचो एलियन सा लगता था, और ऐसा लगता कि बंदे कई बार तो मुझे लोग एलियन बोलने लग गए थे। तो यही मेरा सेटअप था। तो दोस्तों आज का जो DIY का जो मैं आपको बताने वाला था, यही DIY सेटअप था जो मेरा मैंने यूज किया था। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो तो मेरा YouTube चैनल extrememotoadventure.com सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।